दोस्तों 1996 में जब TVS स्कूटी मार्केट में आया था, जहां तक मेरे ख्याल है ये इंडिया का ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट अफोर्डेबल यानी कि चीपेस्ट स्कूटी है। और दोस्तों आज की हम लोग आमतौर पे हर एक ऑटोमेटिक स्कूटर को स्कूटी कहते हैं, तो एक्चुअली हम गलती से कहते हैं क्योंकि TVS जो स्कूटी निकला था इसी से ये नाम सबसे पहले आया था। और ये जो स्कूटर है ये इतना पॉपुलर हुआ था कि हम आज हर एक जो ऑटोमेटिक स्कूटर है उसे स्कूटी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये है स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन जो कि TVS ने 25th एनिवर्सरी एडिशन के हिसाब से निकाला है, और इसमें SBT यानी कि सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दिया गया है। और दोस्तों जबकि 1996 से लेके आज तक 2019 में 23 ईयर्स ही होता है, लेकिन फिर भी TVS ने 25 ईयर्स स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन निकाल दिया है। और दोस्तों ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं और जो कलर मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा, ये तो स्पेशल कलर TVS ने निकाला है फॉर द 25th एनिवर्सरी एडिशन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इंजन दिखा देता हूँ। दोस्तों ये एक लेजेंडरी स्कूटर है और इसका इंजन भी आप देख सकते हैं सीट के नीचे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ की मोटर दिया गया है, बैटरी यहाँ पे लगाया गया है, और ये इंजन एक बहुत ही लेजेंडरी इंजन है जो कि सालों साल चलता आ रहा है। दोस्तों जब 96 में TVS स्कूटी आया था तब ये सिर्फ स्कूटी था, आज स्कूटी पेप और उसके बाद स्कूटी पेप प्लस, इस हिसाब से TVS ने इसको अपग्रेड किया है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि इसमें नया क्या है। दोस्तों अभी यहाँ पे TVS की SBT यानी कि सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आता है, जिसमें दो वेयर्स फ्रंट की व्हील में जाता है, फ्रंट की ब्रेक में जाता है, और इससे आपको बेटर ब्रेकिंग मिलता है। और एक बहुत ही लाइट वेट स्कूटर है अपने सेगमेंट पे, लाइटेस्ट इन द स्कूटर सेगमेंट, और बहुत ही चीप प्राइस में ही आता है। दोस्तों हेडलाइट को अगर देखते हैं तो हैलोजन हेडलैम्प हमें मिलता है और यहाँ पे LED DRLs मिलता है, और दिन में आपको LED DRLs के वजह से हेडलाइट जलाना नहीं पड़ेगा, तो इससे आपका काफ़ी बैटरी सेविंग होता है। LED यहाँ पे DRL आपको मिल जाता है। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ग्राफिक्स बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है और यहाँ पे 25th एनिवर्सरी एडिशन का स्टिकर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट स्विच, और अगर हम फ्रंट की फेयरिंग को देखते हैं तो अलग से कोई मडगार्ड नहीं है, बहुत ही स्लीक स्टाइलिंग के वजह से इसका जो फ्रंट फेयरिंग है उसी को एक्सटेंड करके मडगार्ड बना दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वेयर्स दिया गया है, और जैसे कि आप पीछे की ब्रेक दबाते हैं फ्रंट का ब्रेक भी काफ़ी हद तक एंगेज होकर आपको एक बेटर ब्रेकिंग फील दे देता है। तो ये कम्प्लीटली एक कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के हिसाब से काम करता है। दोस्तों यहाँ पे स्विच गियर एवरेज क्वालिटी का है, और अगर हम मीटर कंसोल को देखें तो मीटर कंसोल एक फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल है, और यहाँ पे आपको स्पीड, फ्यूल, आपका टोटल किलोमीटर्स, पावर इकोनॉमी वगैरह इंडिकेटर्स जो है वो मिल जाएगा। कंप्लीट एनालॉग है, इजीली रीडेबल है, और बाकी जो भी इंडिकेटर्स है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारा जो कॉस्ट कटिंग है वो TVS ने किया है, क्योंकि इसमें अभी तक डिजिटल मीटर्स नहीं है, लार्जर व्हील्स नहीं है, डिस्प्ले का भी ऑप्शन नहीं है, और दोस्तों जिस तरह का ये स्कूटी है उस हिसाब से ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। दोस्तों नीचे अगर हम आते हैं तो एक अच्छा सा स्टोरेज स्पेस हमें मिल जाता है, और USB चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यूटिलिटी काफ़ी अच्छा है स्कूटर में और सीट के नीचे, और यहाँ पे आपको हुक भी मिल जाता है हैंडल के नीचे। और दोस्तों अगर लेग पोर्शन देखते हैं तो लेडीज़ के हिसाब से ये है, तो लेग पोर्शन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया है, और आप लेग्स को एक्सटेंड करके भी स्कूटी को चला सकते हैं। तो यहाँ पे लेग स्पेस सामान कैरी करने वाला तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा लेग स्पेस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक हुक हैंडल के नीचे और एक हुक सीट के नीचे आपको मिल जाता है। दोस्तों अगर हम सीट को देखते हैं तो सीट एक सिंगल पीस यूनिबॉडी प्लेन सीट है, और पीछे आपको एक कैरियर मिल जाता है जहाँ पे आप मैक्सिमम 3 kg तक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है मैक्सिमम 3 kg तक यहाँ पे सामान कैरी कर सकते हैं। पीछे अगर देखते हैं तो पीछे भी कंप्लीट यहाँ पे बल्ब सेटअप दिया गया है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखता है। दोस्तों आते हैं इंजन पे, तो इंजन यहाँ पे एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 88 cc का इको थ्रस्ट इंजन आता है, और ये CVT ट्रांसमिशन के साथ है। इसमें 5 bhp का पावर और 6 Nm का हमें टॉर्क मिलता है। दोस्तों अंडर सीट स्टोरेज को अगर देखते हैं तो अराउंड 15 L का हमें अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, जो कि हेलमेट रखने के लिए, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे जो पेट्रोल टैंक मिलता है वो सीट के नीचे है, और लगभग 5 L का यहाँ पे आपको पेट्रोल टैंक मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है, और दोनों ही तरफ आपको
10 इंच के ट्यूबलेस टायर्स आता है और दोनों ही जो टायर्स है उसका जो थिकनेस है वो 3 इंच का है, यानी कि 3-10 का आप टायर कह सकते हैं। दोनों ही ट्यूबलेस है और दोनों ही तरफ आपको 110 mm की ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और जैसे कि मैंने आपको कहा आपको SBT भी मिलता है फ्रंट ब्रेक में। और दोस्तों पीछे अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो मोनोकॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको पीछे की तरफ मिल जाता है। दोस्तों सस्पेंशन सिटी के हिसाब से ट्विक्ड है तो ज़्यादा परफॉर्मेंस और ज़्यादा यहाँ पे हाई स्पीड वाला सस्पेंशन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि बहुत ही बजट में स्कूटी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TVS की ब्रांडिंग दिया गया है यहाँ पे इंजन पे और 5 BHP और 6 न्यूटन मीटर टॉर्क है और इसका जो वेट है वो 95 kg है क्योंकि मैंने आपको कहा ये लाइटेस्ट स्कूटर है। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो हमें एक बहुत ही बढ़िया माइलेज मिल जाता है दोस्तों, लगभग यहाँ पे 50 से लेकर 60 किलोमीटर्स के बीच में आपको माइलेज मिल जाएगा। अब आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसा आपको एग्जैक्ट माइलेज मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे सीट हाइट है 740 mm जो कि लेडी राइडर्स और शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 135 mm और जो टॉप स्पीड है दोस्तों क्योंकि इसका जो पावर है बहुत ही कम रखा गया है तो टॉप स्पीड क्लोज टू 70 किलोमीटर्स पर आवर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो बहुत ही कम एक्स शोरूम प्राइस में ये अवेलेबल है। दोस्तों अभी कोलकाता में SBT वर्जन का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 45,419 है तो लगभग 57-58 ऑन रोड में आज के दिन में आज के डेट में ये आपको मिल जाता है। और दोस्तों ये एक बहुत ही लेजेंडरी स्कूटी है, एक बहुत ही पॉपुलर स्कूटी है और लेडीज़ लोग या फिर जो लोग आप लोग बहुत ऐसे है कि बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही बजट के अंदर टाइट बजट के अंदर एक स्कूटर रिलायबल स्कूटर ढूंढ रहे तो आप ये अपने सिटी के अपने ज़रूरत के हिसाब से टेस्ट राइड करके देख सकते हैं और लेडीज़ राइडर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया ये चॉइस एकदम एक नंबर वाला चॉइस होने वाला है। और दोस्तों ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कि कंप्लेंट करने का ज़्यादा कुछ जगह यहाँ पे नहीं है, फिर भी आपको क्या लगता है आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों हम अगर सर्विस एंड स्पेयर को देखते हैं तो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे आपको इसका पार्ट्स मिल जाएगा और ये बहुत ही पॉपुलर स्कूटी है। तो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड राइट सेफ।